के इस वीडियो में हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। डे टाइम में हमें हमारे स्किन को कैसे पैम्पर करना चाहिए, उसकी कैसे केयर करनी चाहिए। तो मैं आज आपको दो मतलब सीरम एंड हाइड्रेटिंग जेल के बारे में बात करने वाली हूँ। ब्रांड का नाम है डॉट एंड की। तो इसे यूज़ करने के बाद मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मुझे इस ब्रांड की क्या अच्छी बातें लगी, क्या बुरी बातें लगी, और लास्ट में बताऊँगी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है 10% नियासिनामाइड स्किन क्लियरिंग सीरम। यस, डॉट एंड की का ये जो ब्रांड है उसने पैकेजिंग बहुत ही अच्छी दी है। ये यहाँ से आप खोल के मतलब देख सकते हैं और अंदर से बोतल भी बहुत ही अच्छा है। मैं आपको निकालना चाहे तो इजीली निकाल भी सकते हैं और वापस से आप यहाँ पर इसे रख भी सकते हैं। तो मुझे मतलब इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी लगी। अगर 10 में से मुझे इसे देना होता तो मैं इसे 10/10 देती, क्योंकि कार्डबोर्ड भी एकदम ही अट्रैक्टिव है और मतलब इजीली हम इसमें रख पाएंगे और निकाल पाएंगे। तो पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड नाउ ये जो ब्रांड है वो दावा करती है कि ये हमें मतलब स्पॉट करेक्टर, अगर हमारे चेहरे पे कोई भी दाग धब्बे है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं, फिर हम उसे ऐसे ऐसे करके ख़राब कर देते हैं और चेहरा जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके चेहरे पे कोई भी स्पॉट्स है तो इसे रिड्यूस करने में ये हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर नियासिनामाइड का यूज़ हुआ है 10% और बाकी 1% जिंक का यूज़ हुआ है। बाकी इसमें यूज़ हुआ है विटामिन ई एंड B5, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन ई जो है वो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है, एक नमी देता है, तो इसमें ये यूज़ हुआ है। नाउ ये हमारे चेहरे का जो ग्लो है उसे बूस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब ये जो है वो अल्टीमेट स्पॉट करेक्टर है, यानी कि कोई भी दाग धब्बे है तो ये इसे इजीली हमारे चेहरे पर से रिमूव करेगा। नाउ ब्रांड दावा करती है कि ये एकदम ही लाइट वेट है, यानी कि चेहरे पे बिल्कुल भी इसे अप्लाई करने के बाद हमें ऐसा फील नहीं होगा कि हमने कुछ अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद ये नॉन ग्रीसी है, यानी कि आपको बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं लगेगी। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपको बिल्कुल भी स्टिकीनेस फ्री नहीं होगा। ज़्यादातर मुझे भी ऐसे ही प्रोडक्ट पसंद है जो कि ग्रीसी ना हो, क्योंकि चेहरे पे जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्लाई करते हैं तो एक चिपचिपापन आ जाता है जो कि मतलब इरिटेटिंग रहता है, अच्छा फील नहीं होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो नॉन ग्रीसी है, यानी कि इसे अप्लाई करने से हमारा चेहरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा और रिमूव करेगा। तो आगे मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ कि मतलब ब्रांड जो दावा करती है वो बात सही है या नहीं। बट उससे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस है 1095 रुपीज़ और हमें यहाँ पर 30 ml तक मिल जाता है। इसका जो बोतल है वो भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी। ये मतलब ग्लास का बोतल है और यहाँ पर इजीली हम इसे पंप कर पाए, इस तरीके से ये पंपिंग इफ़ेक्ट दी है जिससे हम अपने चेहरे पे बहुत ही इजीली सीरम लगा पाए। और बाकी जो कि इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए जो कि इसमें यूज़ हुए हैं। और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा इसकी पैकेजिंग लगी और बाकी इसमें लिखा है कि ये 100% क्रुएल्टी फ्री है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसे केमिकल्स यूज़ नहीं हुए हैं। तो ये भी मुझे इसकी बहुत ही अच्छी बात लगी। बाकी इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सनफ्लावर सीड ऑयल का यूज़ हुआ है, वीट जर्म ऑयल्स का यूज़ हुआ है, तो ये सभी हमारे स्किन को बहुत ही रेडिएंट बनाने में हमारी हेल्प करेगा। नाउ इसे लगाने से पहले यहाँ पर यूज़ भी लिखा हुआ है कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। तो मतलब 4 to 5 drops लेने हैं। अभी तो मैंने चेहरे पे मेकअप लगा के रखा है तो मैं रिमूव करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि चेहरे पे लगने के बाद ये कैसा लगता है। नाउ सबसे पहले आपको जब भी मतलब यूज़ करना है तो ये पंपिंग इफेक्ट दिया गया है, तो आप ऐसे करके, अभी तो हाथ पे ही दिखाती हूँ, तो ऐसे ले लीजिए। तो कुछ इस तरीके से मतलब इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके का है। बिल्कुल भी ये स्टिकी नहीं है, ग्रीसी नहीं है और एकदम ही लाइट वेट है। अभी मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैंने जैसे कि हाथ में कुछ लगाया हुआ है।
और इसकी खुशबू जो है वो भी एकदम भी धीमी धीमी सी है, और मुझे ज़्यादातर स्किन केयर प्रोडक्ट्स की ऐसी ही खुशबू पसंद है। मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वाली खुशबू मुझे अच्छी नहीं लगती है। आपकी चॉइस है कि आपको क्या अच्छी लगती है, बट इसकी खुशबू एकदम ही धीमी धीमी है। और ब्रांड ने जो दावा किया है कि ये बिल्कुल भी नॉन ग्रेसी है, लाइट वेट है, तो वो बात उसकी बिल्कुल ही सही है। मैंने अपने चेहरे पर से सारा ही मेकअप रिमूव कर दिया है, और अब हम यूज़ करते हैं ये नियासिनामाइड स्किन का जो स्पॉट करेक्टर सीरम है उसका। तो सबसे पहले तो मैं दूसरा जो प्रोडक्ट है वो मतलब डल एंड डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए बनाया गया है। हमारा स्किन केयर रूटीन ऐसा होना चाहिए कि हमारे स्किन को मतलब नमी मिलती रहे, हाइड्रेशन मिलता रहे, और वो डल एंड डैमेज ना दिखे। तो ये जो सीरम है वो स्पेशली डल एंड डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए ही बनाया गया है, और इसका नाम है हाइलुरोनिक सीरम कंसनट्रेट, जो कि वाटर ड्रेंच हाइड्रेटिंग स्किन को स्पेशली हाइड्रेटिंग रखने के लिए ही इसे बनाया गया है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हाइलुरोनिक सीरम, और बाकी इसमें यूज़ हुआ है विटामिन सी एंड एसाई बेरीज। तो मतलब अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसे दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर पैकेजिंग की बात करूँ तो सेम आगे जैसे पैकेजिंग थी वैसी ही इसकी पैकेजिंग है। इसे इस तरीके से आप खोल सकते हैं और यहाँ से आप इजीली इसे निकाल सकते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरीके की बोतल में रिसीव हुआ है। ये ग्लास का बोतल है, यहाँ पर पंपिंग इफेक्ट दी गया है। अगर आपके मतलब कमरे में छोटी सी जगह है और आपने अपना वैनिटी बनाया हुआ है तो वहाँ पर आप ये प्रोडक्ट्स रखेंगे तो बहुत ही क्यूट सा दिखेगा। तो पैकेजिंग में तो मतलब बहुत ही अच्छा बनाया है। साथ ही में मतलब पैकेजिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ब्रांड हमें जो कंटेंट प्रोवाइड करती है वो कैसा प्रोवाइड करे। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि मतलब मुझे कैसा लगा यूज़ करने के बाद, मैंने क्या फील किया वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्किन डल एंड ड्राई हो गई है, तो ये इसमें एक नमी प्रोवाइड करेगा और चेहरे को मतलब वापस से थोड़ा सा यूथफुल दिखाएगा। इसमें ये हमारी मदद करेगा। नाउ इसे भी सेम तरीके से यूज़ करना है, 4 to 5 ड्रॉप्स। मैं आगे आपको यूज़ करके दिखाती हूँ अपने चेहरे पे, जिससे आपको एक डेमो भी मिल जाए और पता भी चल जाए। पर उससे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। तो इसकी प्राइस जो है वो 975 रुपीज़ है। यहाँ पर भी हमें ये 30 ml तक मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी ऐसे नेस्टी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसे मॉर्निंग में एंड इवनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी भी यूज़ हुआ है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। बाकी इसे आपको मतलब कूल प्लेस पे रखना है, स्टोर करना है। और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो ऐसे खोलते ही आपको इसे थोड़ा सा प्रेस करना है। ये आ चुका है, तो मतलब मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ जिससे आप इजीली देख पाए। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हैं। ये भी एकदम ही लाइट वेट है। मतलब अभी मैं एकदम ही यहाँ पर ये जो पोर्शन है मेरा हैंड वहाँ पर हाइड्रेटिंग फील कर रही हूँ। तो चेहरे पर भी जब हम लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये हमारे चेहरे को डलनेस जो है उसे रिमूव करेगा और हमारे चेहरे को एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। ट्राई करते हैं ये हाइलुरोनिक सीरम जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेटेड बनाने में हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप का ही रिक्वायरमेंट है। तो आप ऐसे करके मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करने में कंफर्टेबल नहीं है तो क्या करें कि पहले इसे हाथ पे ले लें और उसके बाद उसे स्प्रेड कर दें। इस तीनों ही प्रोडक्ट में मुझे ये वाला जो सीरम है उसकी खुशबू स्पेशली बहुत ही अच्छी लगी। मतलब एकदम ही धीमी धीमी सी खुशबू है, लगाते ही एकदम रिफ्रेशिंग वाली फीलिंग यहाँ पर हमें आती है। तो आपको पूरे ही इस तरीके से इसे स्प्रेड कर देना है। लगाते ही एकदम ही मतलब पूरा ही मॉइस्चराइजर एंड एकदम ही स्किन में नमी फील रही हो रही है।
शायद आप कैमरे में देख भी पा रहे होंगे कि स्किन जो है वो एकदम से मतलब अभी हाइड्रेटिंग लग रही है। थर्ड जो प्रोडक्ट है वो है 72 आवर हाइड्रेटिंग जेल प्लस प्रोबायोटिक्स। तो ब्रांड यहाँ पर दावा करती है कि ये 72 आवर्स तक मतलब हमारे स्किन पर उसकी इफेक्ट जो है वो इसकी इफेक्ट 72 आवर्स तक रहेगी। और बाकी यहाँ पर मतलब पैकेजिंग आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से ये था, मैंने खोल के देखा था, थोड़ा सा यूज़ किया था इसलिए अभी ऐसा है, बट ये इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ था। और अंदर से हमें कुछ इस तरीके से एक क्यूब सी बॉटल में ये मिल जाता है, कांच का बॉटल है। और यहाँ पर कैप थोड़ा सा डिफरेंट बनाया हुआ है मतलब इस तरीके का, और कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरीके की मिल जाती है। तो सबसे पहले तो ये भी हमारे स्किन को हाइड्रेटिंग करने का ही काम करेगा। और यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि फॉर्मुलेटेड विद द प्री एंड प्रोबायोटिक्स, यानी कि इसमें प्रोबायोटिक्स का यूज़ हुआ है, और ये हमारे मतलब ये डेली यूज़ के लिए बनाया गया है जिससे हमारी त्वचा में एक मॉइस्चराइजर बना रहे। और क्या होता है कि हमें स्किन हमेशा ही ऐसी स्किन चाहिए जो कि थोड़ी सी प्लम्पी सी हो, हाइड्रेटिंग सी हो, कोई देखे तो मतलब एकदम ही आपका ग्लो भी नज़र आए, हाइड्रेशन भी नज़र आए। अक्सर हम मेकअप भी करते हैं तो इसी के लिए करते हैं कि हमारे स्किन जो है वो थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे, हमारी चाहत वही होती है, तो वो करने में ये हमारी मदद करेगा। नाउ सबसे अच्छी बात लिखी है कि ये हमारी स्किन को एक हेल्दियर ग्लो देगा, वाइब्रेंट ग्लो देगा। और बाकी इसे भी हमें यूज़ करना है फेस एंड नेक पे, आगे हम इसे यूज़ करके देखते हैं। ये जो प्रोडक्ट है वो डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है, यानी कि मतलब कोई भी रिस्क नहीं है इसे यूज़ करने में। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 745 रुपीज़ की है, और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2024 यानी कि 3 साल तक चलने वाली है। और यहाँ पर हमें 60 मिली तक की मतलब प्रोडक्ट मिल जाती है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इसकी जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल ही ऑयल फ्री है। तो मुझे इस ब्रांड की मतलब तीनों ही प्रोडक्ट में एक चीज़ अच्छी ये लगी कि ये सब लाइट वेट है, ऑयल फ्री है, और हमारी स्किन को एक नमी एंड मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करते हैं। ये मुझे अच्छा लगा इस तीनों ही चीज़ों में। और बाकी मुझे एक बात इसकी मतलब अच्छी नहीं लगी, ये वाली जो प्रोडक्ट है इसमें स्पेशली लिखा नहीं है कि मतलब क्या क्या इसमें यूज़ हुआ है। तो जब हम मतलब साइट पे जाएंगे तो देख पाएंगे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं। तो मुझे ये जो प्रोडक्ट है उसकी एक ये बात अच्छी नहीं लगी। बाकी मतलब आप अगर जाएंगे साइट पे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, बट आई थिंक इसी में मेंशन कर देना चाहिए जिससे मतलब कोई भी कस्टमर अगर परचेज करता है तो उसे उसी टाइम पर पता चल जाए। क्योंकि अगर हम चेहरे पे कुछ भी लगा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि मतलब इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। तो मुझे इसकी ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। नाउ अगर टेक्सचर की बात करूँ तो मतलब ऐसे हमने लाइट एकदम इसका टेक्सचर है, मतलब आप कुछ इस तरीके का है, और ये भी एकदम लाइट वेट है, और पूरा ही मतलब आप देख सकते हैं कि स्किन में इंस्टेंट ही ग्लो एंड हाइड्रेशन दोनों ही प्रोवाइड कर रहा है। अभी तो मैंने हैंड पे अप्लाई किया है और आप देख पाए इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है, वरना इतना ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें थोड़ा सा ही लेके अपने मतलब फेस एंड नेक पे इसे अप्लाई करना है, बट इसे यूज़ करने से पहले आपको हमेशा ही एक पैच टेस्ट करना है, यानी कि आप यहाँ पर ईयर के पीछे या तो कहीं भी और जगह पे एक छोटा सा टेस्ट कीजिए। अगर ये आपके स्किन को सूट करता है तभी आप मतलब कोई भी प्रोडक्ट अपने चेहरे पे यूज़ करें। विदाउट टेस्टिंग किए बिना आपको कोई भी प्रोडक्ट को अपने चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए। तो कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले प्लीज़ आप एक बार टेस्टिंग ज़रूर करें, उसके बाद ही उसे अपने चेहरे पे अप्लाई करें। तो मतलब इसकी जो प्राइस है, तो प्राइस की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर ये 745 रुपीज़ का है, और आप इसे 36 मंथ यानी कि
3 साल तक इसे यूज कर सकते हैं। पैकेजिंग भी क्यूट सी है, तो आगे हम इसे चेहरे पे अप्लाई करके देखते हैं कि हमें चेहरे पे रिजल्ट कैसा मिलता है। टाइम है इस जेल को यूज करने का, तो सबसे पहले तो ओपन करते ही हमें ये मिल जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे मतलब अप्लाई कर रही हूँ अपने चेहरे पे, और इसे थोड़ा सा मैं गर्दन के लिए प्लम्पी फील हो रही है, और हाइड्रेशन भी बिल्कुल ही बहुत ज्यादा है। तो अगर आपकी स्किन डल एंड ड्राई है तो आपको डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है वो यूज करना चाहिए। मतलब मेरी तरफ से हाँ है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही प्रोडक्ट जो है वो एकदम ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। मुझे इसके जो डिसएडवांटेजेस लगे वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो ओवरऑल तीनों ही प्रोडक्ट अच्छे हैं। अगर आप एक अच्छा स्किन केयर रूटीन चाहते हैं तो इसके साथ जा सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप ये तीनों ही प्रोडक्ट परचेज करना चाहे तो। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।